जैसे कहते हैं हमने एक घर बनाया था, लेकिन ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती है शायद, कभी मंदिर में जा बैठे कभी मस्जिद में जा बैठे। ऐसे फरिश्ते व्यक्तित्व को देख करके, समाज में ऐसे व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है जिससे कि एकता का राज्य स्थापन किया जा सके। इसी कड़ी में हमारे बीच में भ्राता अमरजीत भाई जी, जो कि पूर्व मंत्री पद को सुशोभित करके यहाँ पर आज समाज के साथ साथ आध्यात्मिकता की इस भूमि को भी अपने कर्तव्यों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने रूहानी मानसिकता से खुशबू भर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व से सारे समाज को कैसे निखार रहे हैं। तो अभी हम उनके भी अनुभवयुक्त वचन सुनेंगे। भ्राता अमरजीत सिंह जी, ओम शांति। मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा बच्चा हूं। एक साल मेरी लगभग उम्र हो गई है। मैं प्रथम बार जब मधुबन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब से अब तक एक वर्ष पूरा हुआ है। मैं तो शिशु हूँ, छोटा बच्चा हूँ। अभी हम पहले तो एक दो नहीं सैकड़ों झूठ बोलते थे, लेकिन मधुबन से लौटने के बाद परिवर्तन हुआ। 10-5 दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक चले, काफी झूठ बोलना कम हो गया और 1 महीना बीता तो फिर झूठे बढ़ गई, फिर वही टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे। मैंने कहा ये अचानक क्या हो गया? अचानक फिर याद आया मधुबन गए थे, वहां से आने के बाद परिवर्तन, फिर तुरंत मैं फिर चल पड़ा, फिर गया वहां। वहां जाने के बाद फिर लौट के आया, फिर थोड़ा। अभी हम जैसा हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी और राजनीति के भी साथी, इन्होंने बताया हम लोग बग्गड़ थे, बहुत बवाली थे, तय कर लेते थे 8-10 लोगों को मारना है दिन में, चाहे जो कोई मिल जाए मारना है। एक बार हम लोग 2 लोग जा रहे थे, फिर सामने जो भी आ जाए उसको मारना है। और सामने एक बार तो पता चला बहुत, हम 2 लोग थे, दोनों लोगों से तंदुरुस्त था, दोनों गए तो दोनों लोगों को मारेगा, छोड़ो इसको। इस बार हुआ कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कोई भी आ जाए इस बार उसको मारना है। सामने दरोगा जी चले आ रहे थे, यू हैव क्या होना जब मारो। तो ये जीवन सब जीने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय भगवती प्रसाद जी का दूसरा दल था, हमारा उस समय दूसरा दल था, राजनीतिक विचारधारा अलग थी। इसके बावजूद भी हमारी इनकी बहुत मित्रता थी, बहुत इनसे मिलते जुलते थे, इनके दुख सुख में बहुत शरीक होते थे। एक बार ये मंत्री थे, शिक्षा विभाग था इनके पास, दुर्घटना में इनका फ्रैक्चर हुआ, मैं पूरे पूरे दिन इनके पास बैठता था, अस्पताल जाता था। जब यहां मुझे लगा हमारा इतना ज्यादा निकटता क्यों थी, क्यों इतना मिलते जुलते थे, इसका मतलब कि बाबा के यहां से खैया धीरा कनेक्शन हम लोगों का था, चल रहा था। और मुझे बड़ा ताजुब, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसकी तरक्की के लिए उसका जो नेता होता है वो खुदा होता है, भगवान होता है, वही टिकट देता है, वही आगे बढ़ाता है। लेकिन मुझे जानकर बहुत अभी
अभी क्योंकि अभी हम लोग सुधरे, मैं तो नहीं सुधरा, अभी तो एक साल का बच्चा, कहीं इधर करने लगता है कहीं इधर करने लगता है, फिर संभाला। अभी आगे में समझ जाऊँ समझ जाऊँ। अभी तो हम मधुबन में गए, वहाँ साहब जो हमारा डायमंड हाल है, डायमंड हाल में अगर आगे बैठते हो मेरा बवाल, अरे भाई आगे हमसे को एक एक साहब बैठे के आप पीछे आ जाइए। मैं क्यों बोले और लोग बैठे हो क्यों हमसे बड़े हैं क्या? राजनीति हिंदुस्तान में आईएएस अधिकारी से बड़ा इगोइस्ट कोई नहीं होता है, और उससे ज्यादा बड़ा होता है इगोइस्ट नेता लीडर, क्योंकि दुनिया सलूट करती है अफसरानों को, अफसरान सलूट करते हैं हम लोगों को, हम लोगों को सलूट करते हैं। यार नेता बहुत ही गोष्ठ होता है, आप पीछे हैं मैं क्यों आ जाए भाई, हमसे बड़ा कौन है? अरे हम मंत्री रहे हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, शिक्षा के मंत्री हैं, ये भी शिक्षा के मंत्री रहे हैं। खैर तो अभी हम लोग नहीं सुधरे हैं, अभी धीरे धीरे प्रयत्न है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधार मुझे कल लगा कि हल्का सुधार हुआ है। क्यों? नेता किसी को रिसीव करने नहीं जाता है, ना 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 ना, नेता रिसीव करने जाएगा तो किसी बड़े ऐसे नेता को जिससे हमारे स्वार्थ सिद्धि होने वाली हो। हम प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे, मुख्यमंत्री को रिसीव करने जाएंगे, भाई मृत्युंजय कुमार को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत ही डैशिंग शिक्षा मंत्री रहे, एक हाथ के वो रिसीव करने जाएंगे। बैठे हैं साहब वहां वेट कर रहे हैं, मुझे लगा सुधार है, सुधार है। सुधार नहीं होता को हम, और एक बात और बताऊं, कल एक मित्र हमारे बोले अरे चोट लग गई आपके, समय इस समय खराब चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा समय चल रहा है, मैं अभी राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था तो हम सब लोग थे वहां, वहां एक कार्यक्रम चल रहा था फ्यूचर ऑफ फॉरवर्ड, तो वहां के जो आयोजक थे उसके वजीर भाई क्या नाम था, निजार भाई ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी हमारे कार्यक्रम में भाग ले। मैंने कहा न्योता तो है नहीं मेरा, मैं तो आया हूं अपने कार्यक्रम में। वहां फोटोग्राफी के लिए हम लोग जा रहे थे, उनका बैनर लगा था उसमें स्टील का, और हम वो हमारे यहाँ नाक में यहाँ इसे अभी चोट लगी है, बहुत तेज लगा, ब्लीडिंग होने लगी, तुरंत पट्टी वट्टी हुई, ठीक हो गए। कल पुनः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के साधक भाई मृत्युंजय कुमार को मैं लेने गया एयरपोर्ट में, जहां आपने देखा है मंत्री जी जो आगमन वाला प्रस्थान वाला, तो प्रस्थान वाले से हमको एंट्री करनी थी, तो उधर से लोगों ने कहा साहब इधर भीड़, आप इधर से आ जाइए। उन्होंने कहा ये डोर खुला है तो इसी तरह ये भी डोर खुला होगा। मैं सीधे अपना, और वो इतना पारदर्शी शीशा कि पता ही नहीं चल रहा था कि खुला ये शीशा है, और मैं गया धड़ाक से उसमें, जब तक हमारा दरोगा उसको खोले खिड़की वो, तब तक जो है अब वो मुझको पता ही नहीं है। मैं नीचे देखा कुर्ता में खून ब्लड, अब वो लोग चेकिंग वेकिंग करना तो भूल गए, सबसे पहले इलाज चलने लगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के काम से जो व्यक्ति कहीं भी जाएगा कहीं भी रहेगा उसके ध्यान में रहेगा, उसका समय खराब कभी आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। हमारा समय अच्छा हो सकता है इन दिनों में कोई बड़ी घटना होनी हो, बड़ा कोई मृत्यु होनी हो, बड़ी दुर्घटना होनी हो। मधुबन में हम थे, चोट लगी, हो सकता है उस समय नहीं होते, कोई ज्यादा हो जाता। तो मेरा तात्पर्य यह है, एक बात हमें जरूर भाई साहब बहुत खटकती है, जब मैं वहां राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में और हम सुन रहे थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी प्रत्येक बहन अपने नाम के आगे लिखने की हकदार हो गई है,
क्या लक्षण गद्दार हो गई है? स्त्री, स्त्री रत प्रतीक, क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति ने बंद कमरे में घोषणा नहीं की, सार्वजनिक घोषणा कर दी, सभी को मैं स्त्री रत की उपाधि देता हूं। राष्ट्रपति के द्वारा आपको उपाधि दी गई है। हर बहन अपने नाम के आगे, जैसे आप बीके लिखते हैं तो आगे स्त्री रत्न लिख सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी है। अरे भाई, राष्ट्रपति जिसको उपाधि दे देते हैं उपाधि हो जाती है, भारत रत्न दे दिया, राष्ट्रपति देते हैं ना। राजीव गांधी किससे दी भारत रत्न? राष्ट्रपति ने। उसी तरीके राष्ट्रपति, लेकिन एक मुझे मन ही मन हो रहा था जिस समय वो कह रहे थे कि हम लोगों के लिए कोई रत्न नहीं कह रहा है, हम लोगों को भी कोई रत्न बना देते। इसलिए वो देखिए राष्ट्रपति हैं, और कुर्सी में बैठने के बाद उन्होंने इसलिए स्त्री रत्न, क्योंकि सारी दुनिया में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आदर्शों का, उनके कार्यों का विस्तार करने का काम बहनों के द्वारा हुआ है, दादियों के द्वारा हुआ है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहनों को स्त्री रत्न की उपाधि दी। जब हम लोगों के द्वारा इतना ही बड़ा और काम हो जाएगा, आगे बढ़ाने का काम हो जाएगा, तो हो सकता है कोई राष्ट्रपति मृदज कुमार से लोग वहां आवे और वो भाइयों को भी पुरुष रत्न की उपाधि दे। सबको नहीं है, उन लोगों को है जो बहने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, वो लिख सकती हैं। कोई उसे कहे हमारे हमको आपको राष्ट्रपति ने पूरे उन लोगों को नहीं दिया जो केवल वहां बैठी हुई थी। उन्होंने कहा एक एक शब्द उनका कैद है कि आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों को मैं स्त्री रत्न की उपाधि देता हूं। मैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई रत्न मिल गया, जीवन का कितना समय बर्बाद कर दिया, इधर उधर में चले गए, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कोई न खाने का ठिकाना, हमारे घर के में आज भी था, घर सुधरा नहीं है। 12-1 बजे हमारा लौटना होता था अपने निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा राजनीति में ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं, 95% हमारे बगल में विधानसभा में बैठ के, यार सुनो वो नगर निगम वाली सड़क उसमें कमीशन कैसे लेना है, उसमें कैसे आना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से मुझे ऐसा लगता है जुड़ना था, इसीलिए मंत्री बनने के बाद हमने एक शपथ ले ली थी कि राजनीति से अर्जित एक भी पैसा अपने घर ले जाना गौमांस के बराबर है, नहीं लिया। विधायक निधि का कमीशन जो मिलता है, अरे अभी एक केशव मौर्य जी से हमारा संदीपनी एक कॉलेज बनाया हमने अपने क्षेत्र में, गांव जहां हमारा है उस पर 5 सड़क बहुत छोटी थी, हमने कहा हम चाहते हैं कि बहुत हाईवे जैसी सड़क वहां बन जाए, करीब 15 किलोमीटर का। उनका नहीं, वहां आवागमन, अरे कहा बड़ी बात करते हो यार, हम मंत्री रहे हमारे पास कोई सवाल की मान्यता देना ये करना है। कहने अच्छा ठीक है, लिख दिया उन्होंने हमारे पैड में, बोले हम, मैंने कहा ये सब मैं जानता हूं, तुम्हारे मंत्री हो तुम, हम पहले मंत्री रह चुके हैं, ये लिखने से कुछ नहीं होता, फोन करिए। उन्होंने फोन किया, जिसको फोन किया चीफ को, मैं उसके पास पहुंच गया शाम को, मैंने कहा मंत्री जी ने कहा है। 2 महीने बाद सड़क बनने लगी, बन रही थी उस समय एक्सियन, आज भी फतेहपुर का एक्सियन, वो बोला साहब आप समय चाहते हैं, मैं कॉलेज में था, आ जाओ। हमारे और कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूछा, बोले कुछ मंत्री जी का सामान उदे, बोले कमीशन नहीं लेता रे, बोले क्या बेकार की बात करते हो, नेता विधायक मंत्री साला कमीशन न ले, क्या बात करते हैं आप। उनका नहीं लेते, हमने कहा
आपका कमीशन ना, कोई बात नहीं हो तो सभी लेते हैं यार, बताओ कितना हुआ, हम मिलेंगे साहब 2.5 करोड़ रुपया कुछ और 100। मैंने कहा ऐसा करो चंद साहब, 70% गुणवत्ता में लगा दो, 70% इसमें सड़क जो है और अच्छी बने, और 30% तुम लोग जेई वेई सब लोग आपस में बांट लो। और बांट कर वो एक सीन के आंसू आने लगे, बोला अरे वो ईमानदार व्यक्ति सबसे खराब होता है जो सबको बेईमान समझता है। मित्र हमारे हम बदल जाए यही तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं माननीय भगवती प्रसाद जी इनके निर्वाचन क्षेत्र मैं अच्छी तरह से परिचित हूं, कभी भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते, सत्य है, जिससे किसी को क्षोभ हो, किसी को कष्ट हो। एक बार एक बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूं। एक बार एक विधायकों का डेलीगेशन टूर जाता है ना, तो हम लोगों का टूर गया तो आंध्रा केरल तमिलनाडु ये 3 स्टेटों में जाने के लिए। तो हम लोग रामेश्वरम में थे तो सारे वो जो राजेश अग्रवाल जी वो उपाध्यक्ष थे विधानसभा में, उनके नेतृत्व में गए थे। एक विधायक जी सब लोग खड़े, एक परिवार गए थे, एक विधायक जी की पत्नी काफी देर हो गया नहीं आई, सब लोग देखते रहे उनको। जब वो आई उतरे वो खत्म हो गए राजेंद्र सिंह चौहान, जानते हैं आप राजेंद्र सिंह चौहान, तो कहा लगा दे रहे हो तो इतनी देर, यानी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कहने हम अलग से एक वरदान मांग रहे रान। कहने का वरदान मांगे हो तुम कि अगले जन्म में भी आप ही हमारे प्रीतम बने, अगले जन्म में आप ही हमारे पतिदेव बने। अरे बोले तो तुम बड़ा बुरा मान आई। बोले क्यों? बोले अगले जन्म में तुम कुत्ता बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। बोले क्यों? अरे बोले हम लोगों के पास कोई जुआरी बलात्कारी डकैत कातिल साहब सिफारत, हाँ कप्तान साहब दरोगा जी को छोड़ा जाए, छोड़वा दे तो इंसान बनेंगे, हम तो कुत्ता बनेंगे। तो कहें फिर कहे सब तीरथ व्रत करावत घूम रहे हो, कहें तीरथ व्रत एक के मारे कराई थे हम करी थे, कुत्ता तो बनन हम लेकिन हुआ वाले कुत्ता बनन छुटकारा पालतू कार में चढ़े चढ़े घूम, कारों में चढ़े चढ़े घूमे। तो ये स्थिति है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सभी लोग खराब हैं। आज भी भगवती सागर जैसे लोग, आज भी 2-4% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से बाबा से हमें निरंतर, हम लोग कहीं पर भी हमारा ये प्रण है, एक तरफ अगर कह दिया जाए कि मंत्री पद की शपथ ले रहा है और दूसरी तरफ आ जाए कि भाई मृत्युंजय जी का निमंत्रण है कि आज मधुबन में कार्यक्रम आपको आना है, तो मधुबन हम जाना पहले पसंद करेंगे, मंत्रिमंडल की शपथ लेना पसंद नहीं करेंगे। ये जीवन का असली सुख ये है। अब हमारे जीवन का क्या है, 3:30 बजे हमारे रवि भाई ने हमारे को ट्रैफिक कंट्रोल 3:30 बजे बोलता है उठो दुलारो उठो। हम लगते हैं हमसे ज्यादा दुलारा कौन होगा, जग जाते हैं, आधा घंटा साधना ही इसके बाद सोके। और 5 बजे चले गए मोती झील गाड़ी लेकर टहलने, और 7 बजे नियमित रूप से मोबाइल में मुरली का आनंद प्राप्त करते हैं। अब पहले आते थे 11-12 बजे हमारे घर में 11-12 बजे खाना, अब भाई जल्दी खाना बना दो हम सो जाएंगे जल्दी, हमें 9:30 बजे तक हम बिस्तर में चले जाते हैं। जीवन का एक परिवर्तन हुआ,
कुछ लोग जो गांव गांव के लोग कहा ध्यान लगाड़ू को कहा हुई गा है पहले तो बाहर सार दुनिया भर का बिल्कुल सुधर्मा हो गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के मैं बहुत बच्चों को ले जाता हूं वहां, इसलिए ले जाता हूं कि सुधरें। उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारे साथ दरोगा लगा है, उसको हम ले गए दोबारा, उसने कहा साहब इजाजत हो तो हम भी चले चले। हमने कहा यार चलो, हम लोगों को तो रेल में किराया फ्री है, हवाई जहाज भी फ्री है, चाहे जितने लोग चले इतना मिलता है, जब नहीं उससे पूरा पड़ता है तो हम लोग तमाम जो सिटिंग MLA जो उनसे मांग लेते हैं कि साहब 10,000, 20,000, 50,000 का कूपन दे दो, चल जाता है। मेरा अनुरोध है जब भी लोग जाएं, वहां निर्वेल भाई ने हमसे कहा था कि आप दूध बन करके जाइए यहां से, और मधुबन के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके, जब चाहिए तब आइए। एक बार मेरा मन हुआ जाने का, मैंने एक दीदी से कहा मैं जाना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं कैसे जाओगे, मैंने कहा मेरा मन है जाने का। अरे बोले वाह, हमने कहा आप शायद जा रहे हैं इसलिए, बोले हम लोग जाएंगे हर हफ्ते, तो आप हर हफ्ते जाएंगे। मैंने कहा मुझे निर्वेल भाई ने कह दिया है हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं, तो मुझको कोई रोक वोक नहीं सकता है, अरे तो वहां कोई रोकेगा भगा देगा तो चले जाएंगे। वहां की शैली ये है नहीं, वहां तो आओ जाओ शब्द वहां नहीं है, आओ, वहां से भेजा किसी को नहीं जाता। और पहली बार तो मैं गया तो हमको एक रिसीव करने आया था एक पवन लड़का, मैंने उससे पूछे कि बताओ यहाँ का इंतजाम कौन देखता है, यहाँ का कंट्रोलर कौन है, न वहां कोई वॉलंटियर न कोई वो, कौन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, न खाने के, हमने खाने पैसा कहाँ जमा, बोले नहीं पैसा तो नहीं जमा करना भाई सब फ्री। हाँ हमने कहा यार इतनी बढ़िया व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, ये कमरा तो हम लोग बाहर ले शहर में तो 5,000 का कमरा मिलेगा, उन्होंने सब फ्री है, वो करे यार फ्री है तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्री खाना फ्री रह, चाहे जितने लोग आ जाए, चाहे जो आ जाए। हम लोगों ने जब मनी कोविद साहब हम लोग मित्र हैं, ये राज्यसभा में थे मंत्री जी और हम मंत्री थे, एक सी जानते निशन संस्था है उससे हम जुड़े हुए, वहां के हम प्रसप्टर रहे, मास्टर मालिक वहां होते हैं यार, जनसेवक जी हमेशा मास्टर की बात करते हैं, हमेशा बात हमको मिलवाइए। मैंने कहा देखो मिलना है तो ऐसे बात कर रहे हो सांसद जी की, मिलना चाह, क्या नहीं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा दिल्ली में है आप, बोले हाँ, हम कहा किसी ट्रेन से आज ही आप आ जाइए बरेली, मैं लखनऊ से चल दूंगा, हमारे अधिकारी आपको रिसीव करेंगे, आपको सर्किट हाउस में ठहराएंगे और मैं आता हूँ। उनके भी रामनाथ कोविंद साहब जो आजकल महामहिम राज्यपाल हैं देश के राष्ट्रपति हैं, वो आ गए बरेली। मैं उस समय पूज्य मालिक हमारे वो एक सतकोल जगह है हिमालय के पास में, वहाँ थे। शाम को एक दो पूजा हमने इनको दिया, छोटी सी एक प्रेयर वो याद कराया, उनके तीसरी पूजा आपको मास्टर देंगे। और जब मास्टर के यहाँ ले गया तो मास्टर ने इनको कई सीटिंग दिया, वहाँ एक रूमान था उसने कहा साहब इनको क्यों आप बहुत सीटिंग दे रहे हैं, मास्टर ने कहा इस तरीके की सोल कभी कभी आती है, कभी कभी आती है। तो उन सब जगहों से जाने के बाद मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जैसा जैसी संस्था, यहां के इतने अच्छे लोग, यहां का प्रिंसिपल, यहां के आइडियोलॉजी, सोल हृदय को परिवर्तित करने वाली आबोहवा दुनिया के किसी भी संस्थान में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने पड़ोस में अगल में बगल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अरे हम तो सुधर रहे हैं, हमारे साथ यार अपना जीवन तो सब व्यतीत कर लेते हैं, अरे कहा की पर यार वो जो तबड़ा वहां मनवा खड़ा कर रहे हैं सुभाष चंद्र जी, गांधी जी को क्या बड़ी देश आजाद कराने की,
हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि 4 करोड़ रुपया हमारा बैंकों में जमा है ना बैंक में जमा है। एक मिनट की बात करके मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे शिक्षा मंत्री बाल रंगनाथ मिश्रा हुए, रंगनाथ मिश्रा मेरे विभाग के मंत्री हुए। एक दिन उन्होंने टेलीफोन किया कि ऐसा करो कि तुम जाओगे, तुम बहन जी के मंत्री हो, और मंत्री को पता चल गया कि एक हाथ वाला कोई है तुम्हारे यहां बर्खास्त कर देंगे। अरे कहना हो यार, नाटक नहीं होगा, चलो भाई। गए उनके यहां, बोले अच्छा बताओ तुम बड़े मूर्ख मंत्री रहे। हम कहे तुम्हारी दुल्हनियों को आती है, तुम बड़े मूर्ख रहे हो, कमाई नहीं तुमने कुछ। मैंने इतने दिनों में ये, अच्छा बोलो किसी कॉलेज वाले ने एक माला पहनवाया आपको हटने के बाद, कोई स्वागत गीत गाया गया आपके लिए? मैंने कहा रंगनाथ हमको गलत फहमी नहीं है, प्रधानमंत्री जो होता है उसका अलग रुतबा होता है, मंत्री होने के, हम अमरजीत सिंह जनसेवक एज हम हैं, मंत्री जब थे तो होली दिवाली इतनी मिठाई आती थी घर में, ये भी मंत्री रहे इनके यहां भी आती थी, बांटना पड़ता था लोगों को। पहली जनवरी को इतना कैलेंडर और डायरी आता था, लोगों को बांटना पड़ता था। और हमने कहा पद से हटने के बाद पहली जनवरी को बुकसेलर की दुकान में एक डायरी खरीद के लेते साल भर के लिखने के लिए, अब कोई नहीं देता है, इसलिए कि जब मंत्री थे उसकी तुमको भी गलत। मैंने ये कमाया, मैं अच्छा चलो यार, हमने कहा चलो भोजन खिलाओ। थाली जब उसमें गए उनकी मेज में, हम यार रंगनाथ हमारा मन करे तो वहां टेबल पलट गई। बोले क्यों आप नॉनवेज खाते? पर कहा नहीं, वेज नॉनवेज की बात नहीं यार, इसमें ना तो कहीं मोहरों की सब्जी दिखाई पड़ रही है, ना कहीं असरफियों की सलाद दिखाई पड़ रही है, ना कहीं चांदी की रोटियां दिख रही हैं। वही खाना गरीब से गरीब आदमी बुलाता है, यही खाना खिलाता है, कहां तुम्हारा रुपया पैसा, क्या हिसाब किताब है? और वही रंगनाथ मिश्रा जब जेल गए करप्शन में, सबसे पहले अमरजीत सिंह जनसेवक जेल में मिलने वाले थे, उनसे मिल के गया तो शर्मिंदा होगा, नहीं देखो ऐसा है, अपना अपना वसूल है। हम लोगों को, हम नहीं अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हो गए हैं। मृत्युंजय कुमार जी आज इतनी बड़ी इनकी स्थिति है अध्यात्म में उपासना, ये नहीं, इनके ऊपर कृपा हुई, बाबा की ऊपर वाले की कृपा हुई, भगवत सागर के ऊपर कृपा है। मुझे खुशी को थोड़ी थोड़ी हमारे ऊपर हो ही रही है, हमको भी। और हमको यहां पर एक चीज मिली अच्छी, ईगो को शांत करने की, ईगो को शांत करने की। देखो ईगो खत्म हो जाए तो अभी हम लोग जो है, अगर भाई कुछ रहे आपके, एक बार वहां कह दिया कि आप उठ जाओ, तो मैं उठ के बाहर पीछे चले गए, हम पीछे नहीं चले गए, उठ के बाहर चले आए। यार ऐसी जगह क्या करना कि यार जो बताओ कि हमका स्वाभिमान बेचकर मोक्ष की प्राप्ति मिलनी हो तो भी अमरजीत सिंह जनसेवक को स्वीकार नहीं है। हम चले आए बाहर, हमने कहा चलो बुढ़िया बिस्तर बांधो चलते। तब तक फिर कई टेलीफोन आए, कई लोग कहाँ हो आप, कुछ नहीं। हम कहा नहीं नहीं हम यहीं पीछे बैठे हैं, कोई बात नहीं, नहीं आप आगे बैठेंगे। क्योंकि हम लोग मन में तो ये लगा कि धीरे 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 परिवर्तन, हमारी प्रार्थना है बाबा से हमको भी वो इस तरीके की धीरे धीरे बना दे कि हमारे अंदर से भी ये जो अभी चट्टान जैसा अहंकार अंदर घुसा हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है वो, अभी चट्टान नहीं पिघल रही है, वो पिघल जाए और हम भी अच्छे बाबा के मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे बन जाएं। ओम शांति, ओम शांति।